Amritsari Chole Masala straight from the Amritsar, Punjab. आज मैं बनाने वाली हूँ बहुत ही स्पेशल रेसिपी ऑफ अमृतसर. Hi, this is Nehal and एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरी चैनल क्रेजी फूड वेजी पे. मुझे ये करी बनाना बहुत ही अच्छा लगता है बिकॉज ये बहुत ही सिंपल है, क्विक ईजी है एंड प्लस ये बहुत ही हाई एंड रिच इन प्रोटीन है बिकॉज हम यहाँ पे छोले यूज़ कर रहे हैं. मैंने यहाँ पे कोशिश की है कि मैं ये रेसिपी को जस्टिस कर पाऊँ एंड आई रियली विश कि आप लोगों को भी ये रेसिपी पसंद आए. तो आइए देखते हैं अमृतसरी चना मसाला कैसे बनाते हैं. सो यहाँ पे हमारा प्रेशर कुकर है और इसके अंदर मैंने 3/4 कप छोले जो कल रात को भिगाए थे वो मैं डाल रही हूँ. पानी में डालूंगी, ठीक है, एक कप और एक आधा और कप. सो ये वही पानी है जिसके अंदर मैंने छोले भिगोए थे. उसके अंदर मैं डालूंगी ये 2 लौंग और अराउंड यू नो लाइक 1 इंच से थोड़ा छोटा कट का ताज सिनेमन स्टिक और थोड़ा सा सॉल्ट डालूंगी. अगर आप चाहे तो इसके अंदर चाय पत्ती का पैकेट डाल सकते हैं जो सैशे आता है, बट मुझे स्पेशली ना मुझे वो काला कलर पसंद नहीं है. आई लाइक माई छोले वो व्हाइट वाला, तो दैट्स व्हाई मैं कुछ नहीं ऐड कर रही हूँ. और अभी मैं सिंपली इसको कवर करूंगी और हमें इसको 3 विसल आने तक पकाना है और उसके बाद हम गैस बंद कर देंगे. तो हमारे चने पक के रेडी हो गए हैं. तो सबसे पहले हम हमारा स्पाइसेस है जो भी मसाले उसको हम भिगोएंगे. तो उसके अंदर में 1 आधी चम्मच 1.5 टीस्पून रेड चिली पाउडर डालूंगी. उसके अंदर 1 टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून कोरिएंडर एंड क्यूमिन पाउडर, धनिया और जीरा पाउडर और 1/4 चम्मच टर्मरिक पाउडर. और फिर उसके अंदर थोड़ा सा पानी डालेंगे हम और उसको मिक्स करके पेस्ट कंसिस्टेंसी में बना के साइड में रख देंगे. तो यहाँ पे मैंने मेरी पैन ली है और उसमें तेल डाला है अराउंड लाइक 1 टेबलस्पून से थोड़ा ज़्यादा. और उसके अंदर हम लोग जीरा डालेंगे, क्यूमिन सीड्स 1 टीस्पून, ये 2 ड्राइड लाल मिर्च है तो वो डालेंगे, 1 बेलीव. अभी इसकी खुशबू आने लगी है तो इसमें हम थोड़ा सा हींग डालेंगे, थोड़ी हींग एसोफेटिडा. और अब ये पीसी हुई अदरक और लहसुन की पेस्ट है इसको हम डालेंगे. सो अबाउट लाइक 3 टेबलस्पून ऑफ जिंजर गार्लिक पेस्ट और इसको मिक्स करें अच्छे से. और हमें इसको ज़्यादा पकाना नहीं है तो इसके अंदर अभी हम 1/2 कप फाइनली चॉप्ड ऑनियन डालेंगे, प्याज 1/2 कप लिया है मैंने यहाँ पे और जस्ट मिक्स कर दें. तो अभी हमारी प्याज को पके हुए ऑलमोस्ट 3 मिनट हो गए हैं और आप देख सकते हैं ये काफ़ी ब्राउनिश पिंक कलर में ट्रांसलूसेंट हो गई है. तो उसमें अभी हम जो भिगोए हुए मसाले थे वो डालेंगे. बिना मसाले डाले हुए ही जो खुशबू आ रही है, अदरक लहसुन और प्याज की बात ही अलग होती है जब वो एक साथ पकते हैं. तो अभी इसमें हम ये पेस्ट डालेंगे और हम इसको मिक्स करते हुए 1 मिनट तक पकाएंगे ताकि सारे मसाले अच्छे से कुक हो जाए. तो अभी हमारे मसाले अच्छे से पक गए हैं और उसके अंदर हम 3 टमाटर की प्यूरी डालेंगे, फ्रेश टमाटर की जो कि तकरीबन मीडियम से थोड़े बड़े साइज़ के थे. तो उसको डाल के हम मिक्स करेंगे और हमें तब तक पकाना है इसको ढक के जब तक के ऊपर से ऑयल छूट नहीं जाता है. हम थोड़ा इसमें सॉल्ट भी डालेंगे क्योंकि हमने हालांकि चने बॉईल करते टाइम डाला है बट थोड़ा सा, क्योंकि मैंने इतना नहीं डाला है तो मुझे पता है कि थोड़ा और डालना पड़ेगा. तो हमारा मसाला अच्छे से भून के अभी रेडी हो गया है. ये ऑलमोस्ट 10 मिनट्स हो गई है अभी इसको कुक करते हुए मुझे. अभी मैं थोड़ा फ्लेम और लो करूँगी, चिपक रहा है थोड़ा. और अभी इसके अंदर हम हमारा जो बॉयल्ड किया हुआ छोले है वो डालेंगे और पानी भी उसमें उसके साथ ही डाल रही हूँ इसमें जो स्टॉक था उसका वो. और फिर अच्छे से उसको हमें मिलाना है.
अबाउट लाइक हाफ ए कप और पानी डालूंगी मैं छोले में, ठीक है। और एक बॉयल आने देंगे हम। कितने बढ़िया लग रहे हैं छोले, अभी तो अच्छे से पके भी नहीं है और तेल भी नहीं छूटा है, फिर इसकी खुशबू बहुत ही सही आ रही है। उसके अंदर अभी मैं छोले मसाला डालूंगी अभी लास्ट में, 1 टीस्पून, और अराउंड लाइक आधा टीस्पून जितना पॉमग्रेनेड मसाला, अनारदाना का पाउडर। और अगेन इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। और साथ ही में मैंने 2 टेबलस्पून जितने छोले निकाल के रखे थे जिसको मैंने क्रश कर दिया है। बेसिकली ये डालने से ना थोड़ी रिचनेस आती है ग्रेवी में और थोड़ा थिक टेक्सचर, जो रेस्टोरेंट में आप देखते हैं ना वो वाला टेक्सचर इससे आता है। तो थोड़ा मैश करके आप अलग से रख लीजिए थोड़ा साइड में, और उसको भी साथ में डाल दीजिए। तो अभी मैं उसको कवर करूँगी अगेन एंड लेट इट कुक फॉर नेक्स्ट 10 मिनट्स। सो 10 मिनट हो गए हमारे चने को पकते हुए, और वाह ये देखिए क्या यम्मी लग रहे हैं। पूरा ऑयल अच्छे से ऊपर आ गया है और अच्छे से पक गए हैं। मेरा घर पूरा चने की खुशबू से भरा पड़ा है। उसके ऊपर अभी हम लास्ट इंग्रेडिएंट डालेंगे, हरा धनिया सिलांट्रो। तो बस हमारे अमृतसरी स्पाइसी छोले रेडी है। इसको आप भटूरा, पूरी और कुलचा किसी के भी साथ एंजॉय करें। दिस इज सो यम्मी एंड डिलीशियस। प्लीज़ डू ट्राई दिस एंड टेल मी हाउ यू लाइक इट। हेलो फ्रेंड्स, तो आज के लिए बस इतना ही। मैं आशा रखती हूँ कि आपको मेरी अमृतसरी छोले मसाला की रेसिपी पसंद आई। अगर आपको और भी बढ़िया यम्मी और डिलीशियस रेसिपी देखनी है तो प्लीज़ मेरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड अपने फैमिली मेम्बर्स और फ्रेंड्स के साथ इन्हें शेयर कीजिए। एक बार फिर से मुलाकात होगी एक और अनदर यम्मी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए एंड हैप्पी कुकिंग।